हेलो दोस्तों, मेरे और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वाटर लेवल का, जो TDS लेवल होता है वो मीटर हम ऑर्डर किए हुए हैं फ्लिपकार्ट से। तो चलिए हम फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। आपको प्राइस बता दें तो ये मुझे 222 रुपये का पड़ा हुआ है। आपको इससे कम भी मिल सकता है, ज़्यादा का भी आप ले सकते हैं। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप वैसा परचेज कर सकते हैं। तो फटाक से हम इसको अनबॉक्सिंग करके उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर में सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और यही है इसके अंदर में है TDS। देख सकते हैं ये इतना हेवी है। इसके नीचे है ये जो भी है इसके अंदर नीचे में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि होल्ड है, टेम्परेचर है, ऑन ऑफ का बटन है। ये ऑन ऑफ कर देने के बाद आप देख सकते हैं। अब हम आपको ये जो डब्बे में पानी देने आता है, आपको पता ही होगा जो भी चलाता है, जो कि 20 रुपया में 20 लीटर या फिर 25 रुपया में, किसी को 30 रुपये में, जो मार्केट में सप्लाई वाला जो वाटर मिलता है, ये उसी वाटर का हम आज TDS लेवल चेक करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये एक गिलास पानी है, 250 ml के आसपास ये पानी होगा। और ये ऑन है, आप देख सकते हैं। और आपको एक बार फिर से बता दें, ये फिल्टर वाटर है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई वाटर जो मिलता है सबके घर में, जो पहुंचा के देता है, वही वाटर है। तो हम चलिए चेक करते हैं। तो इसमें रेटिंग आ रहा है दोस्तों, आपको अच्छा से क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, 56 इसमें रेट जो है लेवल आ रहा है। तो आपको पता ही होना चाहिए TDS लेवल वाटर का पीने के लिए कहाँ कितना बेस्ट होता है। मतलब अगर आपका 100 से 200 के बीच में है या फिर 50 से 100 के बीच में, तो फिर आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। TDS लेवल जितना कम रहेगा पानी पीने के लिए, सेहत के लिए उतना ही हानिकारक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।